जैसे पानी मिला दरा उसको करंट लगा, मैंने सोचा गिर पड़ी। भाई को मेरे लिखा रहा था, उसको कैसे से रगड़ा तो वो उसके होश आया कि हमें न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम मिट्टी नहीं देंगे। कोई पूछने नहीं आया, ना कोई हमारा बांटने के लिए आया है, यहाँ पे कोई नहीं आया। हमारे साथ अगर हक फैसला नहीं होगा हम मिट्टी नहीं देंगे। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शील फाटा पटेल गली में करंट लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है और परिवार वालों की मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। जिस महिला की मौत हुई है उसका नाम है रिजवाना खातून, उम्र 26 साल है। पति का नाम इरफान है जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। मूल रूप से ये फैजाबाद के रहने वाले हैं मगर शिलफाटा अचार गली में इरफान अपनी पत्नी रिजवाना और एक बेटी और एक 2 साल के बेटे के साथ रहते थे। मगर कल रिजवाना अपने बेटे को गोद में लेकर अपनी बेटी को भी साथ में लेकर सब्जी लेने के लिए जा रही थी मगर पटेल गली में ट्रांसफार्मर के पास रास्ते में ही बारिश का पानी जमा हुआ है और ट्रांसफार्मर से ज़मीन के अंदर से वायर गया हुआ है। रिजवाना इसी पानी से होकर गुजर रही थी तभी करंट की चपेट में आ गई। जो गोद में बच्चा था वो काफ़ी दूर जाकर गिरा और साथ में जो रिजवाना की बेटी थी उसने भी अपनी माँ को बचाने की भरपूर कोशिश की मगर उसे भी झटका लगा तो वो भी दूर जाकर गिरी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से महिला को पानी से बाहर निकाला मगर महिला की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। कहीं ना कहीं टोरेंट की लापरवाही सामने आ रही है क्योंकि रास्ते के बगल में ही ट्रांसफार्मर लगा है और ट्रांसफार्मर के पास रास्ते पर पानी जमा होना जिसमें एक मासूम से उसकी मां को छीन लिया है। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इन मासूम बच्चों के आंसुओं को कौन पोछेगा? राजनीति करने वाले राजनीति करके तो चले जाते हैं मगर टोरेंट की इस लापरवाही से रिजवाना की मौत हो गई है। वहीं रिजवाना के पति इरफान ने शासन प्रशासन से सवाल पूछा है कि उनके घर अभी तक कोई क्यों नहीं आया, क्यों नहीं अभी तक उन्हें किसी तरह की मदद की गई। साथ ही ये भी कहा है कि हमें सहायता नहीं की जाएगी तब तक मैयत हम दफन नहीं करेंगे। सुनिए रिजवाना के पति इरफान और उसकी बेटी और समाज सेवक करीम खान ने क्या कुछ कहा है। अपनी मम्मी के साथ में थे तो क्या हुआ था? हमने जा रहे थे बाजी लाने, मेरी मामी आगे आगे थी, मैं पीछे पीछे, उसने आगे जल्दी जल्दी आया, उसको जैसे पानी मिला दरा उसको करंट लगा, मैंने सोचा गिर पड़ी, मैंने गया उसके पास तो हमको भी करंट लगा, हमने भागा तो एक अंकल ने आया, पहले भाई को मेरे लिखा रहा था, उसको कैसे से रगड़ा तो वो उसके होश आया, मामी को उसको लिखा रहा था, उसको रगड़ा कोई होश नहीं आया। क्या नाम है आपका और यहाँ पर आप कहाँ रहते हैं, कहाँ घर है आपका? हमारा नाम इरफान है, अचार गली में रहता हूँ। तो कैसे डेथ हुई थी आपकी वाइफ की? ये बिजली से, करंट लगने से, करंट लगने से यहाँ खत्म हुई थी पानी में। शासन प्रशासन से अभी क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या चाहिए? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम मिट्टी नहीं देंगे। हमें मिट्टी नहीं देंगे तब तक नहीं देंगे जब मतलब तक हम मैयत को उठा के मिट्टी में नहीं ले जाएंगे, दफन नहीं करवाएंगे, संस्कार नहीं करेंगे उसका। आप दफन नहीं करेंगे? दफन नहीं करेंगे सर, जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा। हमारी जो है बच्चियों को जो माँ थी वो इंतकाल हो चुकी है। हमारे साथ प्रशासन अगर कोई न्याय करेगा, सही फैसला करेगा, तब हम उनको मिट्टी देंगे, नहीं तो मिट्टी नहीं देंगे। शासन प्रशासन के तरफ से कोई आया आप लोगों के यहाँ? कोई पूछने नहीं आया, ना कोई हमारा कागज बांटने के लिए आया है, यहाँ पे कोई नहीं आया है। अभी जो आए हैं तो ये जो लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए यही लोग हमारे दुख सुनने के लिए आए। अभी प्रशासन भी कुछ नहीं सुना, जो भी कोई आया तो ऐसे ही टाल दिया। लेकिन हमारे साथ अगर हक फैसला नहीं होगा हम मिट्टी नहीं देंगे, और जब तक हमारे साथ कोई हक फैसला होगा नहीं, हम बात ये प्रशासन के सामने डॉक्टर डॉक्टर कागज हमको मिला का फैसला चाहते हैं। हम मजदूर आदमी हैं, हम रोज कमाते थे, रोज खाते थे, आज हम मजदूरी करने के लिए गए। हमारी जो वाइफ थी, बच्ची थी, हमारी घर वाली जो थी वो करीम भाई, जो महिला की डेथ हुई है, जो नीचे से अंडरग्राउंड से जो वायरिंग की गई है उसमें पानी भरा हुआ है और उस पर महिला का पैर पड़ने की वजह से जो है करंट लग गया जिससे उस महिला की डेथ हो गई है, तो अभी फिलहाल जो है जिस तरह की एक लापरवाही भी से कहा जा सकता है महिला की डेथ हुई है, इस पर क्या कहेंगे? लापरवाही तो
MSCDCL थी वो लापरवाही कर रही थी। बड़ी अच्छी एक कंपनी आ गई जो जिसको टोरेंट नाम से नवाजा जा रहा है आजकल, बहुत अच्छी कंपनी आ गई हमारे शहर में जो ये वादा करती है और दावा करती है, और भी कुछ लोग दावा करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मैं पहले आपको ये बताऊं कि पिछले 12 घंटे से पूरे रात भर में सील पाटे में लाइट नहीं थी। दूसरा हादसा है आपके सामने कि पानी में जरा सा पैर लगने की वजह से वो जवान औरत जो जिसके गोद में दो दो बच्चे थे, जवान औरत की मौत हो गई तो बच्चे बच गए। ये MSCDCL हो या टोरेंट हो, क्या इन लोगों ने सुपारी ली है इस गरीब जनता को मारने की? मुझे तो ऐसी लगता है कि ये लोगों ने सुपारी लिया है ये गरीब जनता को मारने की। अब कैमरा घुमा के आप हालत देखिए, अगर आपने रिकॉर्डिंग किया आप हालत देखिए कि क्या कंडीशन पे इनके ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, हालत देखिए इनके। करीम भाई, जैसा कि अभी जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि जब तक हमें शासन प्रशासन की तरफ से कोई उनके घर नहीं आता है, कुछ मदद नहीं दी जाती है, तब तक वो जो है बॉडी घर में रखेंगे, मैयत दफन नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, उनके दिल को ठेस पहुँची है, उनके घर की एक जवान औरत वो चली गई, तो बेचारा वो उनका भी दुख जायज़ है ना, उनका दुख नाजायज तो नहीं है कि भाई उनको अगर कुछ कंपनसेशन मिलता है, गरीब लोग हैं तो दफनाएंगे वो लोग, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब आपने उनका स्टेटमेंट लिया, उनको उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आखिर अब इस गरीब की मदद के लिए कौन आगे आएगा? अपने दो मासूम बच्चों को छोड़कर रिजवाना इस दुनिया से तो चली गई, मगर लापरवाही किस तरह से हो रही है ये भी सबको दिखा गई। रिजवाना के शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को तो सौंप दिया गया है, मगर वहीं रिजवाना के पति का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम रिजवाना के शव को दफन नहीं करेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।